मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बने गॉसिप में। अब्दुल रोजी की हो चुकी है शादी, ये बात सुनने के बाद जो सुम्बुल है वो काफी ज्यादा हंसने लग गई है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये फनी सी अपडेट और आप लोग भी हंस देंगे ये पूरी अपडेट जानने के बाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस अब्दुल रोजी का एमसी स्टैंड शिव ये सब लोग जो है जो सुम्बुल है ये सब लोग कैप्टन रूम में बैठे होते हैं जहां पर अब्दुल रोजी जो है वो एमसी स्टैंड से बात कर रहे होते हैं और ये बात बोलते हैं कि भाई ब्रो तुझे पता है, अपनी भाषा में बोलते हैं, मैं आप लोगों को हिंदी में बताती हूँ कि ब्रो तुझे पता है कल रात को मुझे सपना आया और सपने में मेरी शादी हो गई। जहां पर एमसी स्टैन बोलते हैं और वहीं पर ये सब चीजें जो है सुम्बुल भी सुन रही होती है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ब्रो तू ये सब चीजें मत सोचा कर, ये सब चीजें सपने मत लिया कर। तो उसके बाद धीरे से बोलते हैं ब्रो तुझे पता है शादी के बाद हम दोनों के बीच में क्या हुआ। ये बात सुनते जो है एमसी स्टैन सोचते हैं कि वो कुछ गंदी बात बोलने वाले हैं अब्दुल रोजिक जो है, तो वहां पर बोलते हैं कि अब्दुल तू चुप हो जा ब्रो, चुप हो जा, ज्यादा बोल मत। तो ये बातें सुन के जो है वहां पर सुम्बुल हंस पड़ती है और साइड में चली जाती है, पर फिर भी जो है अब्दुल रोजिक जो है इस बात को स्टॉप नहीं करते। वो एमसी स्टैन को बताते हैं कि आखिरकार सपने में जो शादी हुई उसके बाद उनके और उनकी पत्नी के बीच में क्या हुआ। जहां पर अब्दुल रोजिक जो है बोलते हैं कि मेरी शादी के बाद जो है मेरी और मेरी पत्नी के बीच में ऐसा हुआ कि कोई आया और मेरी पत्नी का हाथ पकड़ के ले गया और मैं फिर से अकेला रह गया, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, जैसे वो बोलते रहते हैं। ये बातें जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, जिसके बाद जो है सुम्बुल की काफी जोरों जोरों से हंसी निकल आई। हालांकि अब्दुल रोजिक ने जिस स्टाइल से ये बातें बोली हैं, पहले तो बंदे को लगेगा कि हाँ भाई शादी के बाद क्या होता है पति पत्नी के बीच में, पर अब्दुल रोजिक की शादी के बाद पति पत्नी के बीच में वो आ गया था। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।